अभी 6 बज रहे हैं, मैं चाहता हूँ ठीक 7 बजे तक तुम अपना 21 किलोमीटर का एक राउंड पूरा करके यहीं पहुंचो। रेडी? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ छोटे छोटे ख्वाब हैं आंखों में भर के चल दिए, रग में बहते जो आब हैं उन्हें शोलों में बदल दिए। कुछ छोटे छोटे ख्वाब हैं आंखों में भर के चल दिए। जीत से अभी भी 20 मिनट पीछे हो तुम, स्कूल की दौड़ खत्म हो चुकी है और ये मैराथन है। यहां जीतने के लिए अपना बेस्ट नहीं द बेस्ट देना होता है। और तेज बोल, बोल क्या बोल रहा था, बोलना अब। बास्टर्ड, पीछा क्यों कर रहा है? पीछा नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, मैं तो बस तुम्हें देखता रहता हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती करने के मैनर्स नहीं सीखे तुमने कभी? वो क्या होते हैं? पीछे से चोरों की तरह आकर नहीं करते दोस्ती। हाँ, पर आगे से आने पर भी कौन सी गारंटी थी कि तुम हाथ नहीं उठाती? बात तो सही है तेरी, गारंटी तो नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा दौड़ती क्यों रहती हो? मैराथन चैंपियन बनना है मुझे, दौड़े बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर तुम आराम से बात तो कर सकती हो, तुम तो बात करने में भी दौड़ती हो।
मैंने तुम्हें फर्स्ट या सेकंड के लिए तैयार नहीं किया था, जीतने के लिए तैयार किया था। और अगर तुम एक भी कदम पीछे हो तो तुम्हें अपनी मेहनत उस एक कदम के लिए बढ़ानी होगी। और हाँ, तुम्हें क्विट करना है तो अभी भी मौका है, क्योंकि इस स्पीड के साथ तुम ओलंपिक तो क्या, मुंबई मैराथन भी नहीं जीत सकती। क्विट करने के लिए नहीं शुरू की थी मैंने ये दौड़, जीतने के लिए शुरू की। कोई एक हार मेरी जिंदगी का फैसला नहीं बदल सकती। तो ठीक है, दिखाओ मुझे कितना दम है तुम्हारे अंदर। अब से हर रोज तुम्हारा कंपटीशन मेरी घड़ी की सुइयों से होगा, और ये दौड़ तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक इस देश की हर लड़की तुम्हें अपना आइकन न माने। बिखरे बिखरे आंखों में ख्वाब का कारवां, उफने दफने दिल में जो है मंजिल की दास्तां। जिंदगी की सबसे बेहतर दौड़ देखना चाहता हूं मैं आज। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी। यस डैड। मंजिल है मिलो दूर जिसकी आस लगी है, नींदों को भरमाए उस पे आंख अड़ी है। बातों के सबसे उम्मीदें जगी है, किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 10 मिनट में। अगर इसी तरह दौड़ी तो रौंद के रख दोगी मुंबई मैराथन को अपने पैरों से। बेटा तुम्हें अपनी मम्मा याद है? वो हमेशा चाहती थी कि तुम सबके लिए एक मिसाल बनो, लोगों को बताओ कि लड़की होना गर्व की बात है ना कि शर्म की। लेकिन इस वक्त ये बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर इंसान को अपनी दौड़ अकेले ही दौड़नी पड़ती है, और अब तुम्हारा भी के लिए दौड़ने का वक्त आ चुका है। प्लीज डैड, आप ये सब बातें करना बंद करिए एंड गो टू स्लीप। आप कहीं नहीं जा रहे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। उस दिन सरदर्द के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने चेकअप करने के बाद मुझे बताया कि मुझे ब्रेन हेमरेज है, और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और जिस दौड़ के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है, तुम्हें वो दौड़ हर हाल में जीतनी होगी, हर हाल में।